नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिस इंग्लिश चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 जुलाई और 10 जुलाई को आपका फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम था एसएससी सीएचएसएल का, जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के स्ट्रिप में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं, वो भी आपके लैंग्वेज इंग्लिश में। तो आज का जो पहला प्रश्न हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी वाज रिड्यूस्ड इन द 10th प्लान, यानी 10th फाइव ईयर प्लान, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चला था। तो इसका राइट आंसर आपका 0.5% हो जाएगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं 10th फाइव ईयर प्लान का। तो पहला तो था कि अचीव 8% जीडीपी ग्रोथ पर ईयर, सेकेंड है रिडक्शन इन पॉवर्टी रेट बाई 5% बाई 2007 एंड प्रोवाइड गेनफुल एंड हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट टू एट लीस्ट 15% ऑफ द लेबर फोर्स। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग इन जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेजेस रेट्स बाई एट लीस्ट 15% बाई 2007। और नेक्स्ट है कि 20 points प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसका जो टारगेट ग्रोथ रखा गया था आपका 8.1% रखा गया था और अचीव किया गया था वो आपका 7.7% रखा गया था। ठीक है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट एज पर द सर्वे ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका 84.70%। द लिटरेसी रेट इज 77.70 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, विथ लिटरेट मेल्स बीइंग 84.70% एंड लिटरेट फीमेल्स बीइंग 70.30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कालबेलिया फोक डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। कालबेलिया इज अ फोक डांस परफॉर्म मेनली बाय द कालबेलिया कम्युनिटी इन राजस्थान एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स सच एज सपेरा नृत्य, स्नेक चार्मर डांस एंड इट वॉज इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी ऑफ यूनेस्को सिंस द ईयर 2010। एंड इन कालबेलिया डांस मेन यूजली प्ले वेरियस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट एंड वुमेन ऑफ द कालबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म द डांस एंड कालबेलिया डांस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसनस डांस अमॉन्ग ऑल राजस्थानी डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर वॉज द 36 नेशनल गेम्स हेल्ड। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात राइट आंसर होगा। द 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया एल्सो नोन एज द 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इनफॉर्मली एज गुजरात 2022 was the 36th edition of the National Games of India and was held from 29 September to 12 October 2022 in Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Vadodara, Rajkot and Bhavnagar in the state of Gujarat. And the 37th National Games was hosted in Goa and the 38th National Games 2024 will be held in Uttarakhand. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ट्यून प्लांट ऑफ द आवर अर्थ। तो इसका राइट आंसर वेनस होगा। वेनस इज द ट्यून प्लांट ऑफ आवर अर्थ एज दे हैव ऑलमोस्ट द सेम मास एंड डेंसिटी एंड देयर फिजिकल साइज इज ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्लास मिरर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जस्टिस वॉन लेबेक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा द इन्वेंशन ऑफ द सिल्वर ग्लास मिरर इज क्रेडिट टू जर्मन केमिस्ट जस्टिस वॉन लेबेक इन 1835। ही वेट डिपोजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ए मेटालिक सिल्वर ऑन ग्लास थ्रू द केमिकल रिडक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द कैलाश टेम्पल लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑल्सो नोन एज द कैलाश टेम्पल इज अ फेमस टेम्पल लोकेटेड इन एलोरा महाराष्ट्र। इट्स कंस्ट्रक्शन इज जनरली एट्रीब्यूट टू द 8th सेंचुरी राष्ट्रकूट किंग कृष्ण प्रथम एंड इट इज अ हिंदू टेम्पल इन द द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज नोन फॉर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 24 ऑफ द Constitutions of India deals with what? तो इसका राइट आंसर prohibition of employment of children in factories etc. ठीक है, आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो आर्टिकल 24 से डेट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हैजडस एम्प्लॉयमेंट एंड द आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी hazardous industry factory on mine without any exception and however employment of children is non hazardous work is permitted. Next है who is the governor of Himachal in 2024? तो इसका राइट आंसर शिव प्रताप शुक्ला राइट आंसर होगा। वहीं पर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सुखविंदर सिंह सिक्कू इसका राइट आंसर है।
हालांकि आपको चार स्टेट का गवर्नर का नाम दिया गया था और चार स्टेट का नाम दिया गया था उसको आपको बताना था इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग है, जहां राइट आंसर आपका बिहार था तो इसको भी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका 7 अगस्त होगा। ऑन 10 अगस्त 2021 द एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस टू सेलिब्रेट 7 अगस्त एज अ नेशनल जेवलिन थ्रो डे एवरी ईयर। इट इज नॉट वर्दी डेट ऑन 7 अगस्त 2021 नीरज चोपड़ा ऑन द फर्स्ट गोल्ड फॉर द कंट्री इन द जेवलिन थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फोक डांस इज संग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ चाइल्ड, इसका राइट आंसर आपका होगा सोहर। ठीक है, फोक म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो कि सोहर आपका उत्तर प्रदेश का ही फोक म्यूजिक है, साथ में बिहार से भी रिलेटेड है तो इसको भी याद रखिएगा। तो सोहर की बात करते हैं तो इट इज़ यूज टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट आपका कहरवा, इट इज़ संग बाय द कहर कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगला है नौका झाकर, इट इज़ पॉपुलर इन द नाई कम्युनिटी एंड इज कंसिडर्ड एज अ नाई सॉन्ग। सेकेंड है बंजारा एंड नाजवा, इट इज़ द म्यूजिक संग बाय द तेली कम्युनिटी एट द नाइट टाइम। अगला है कजरी या कजली, इट इज़ इंजॉय बाय द वुमेन इन द मंथ ऑफ सावन। दिस स्टाइल ऑफ म्यूजिक बिलोंग टू बनारस घराना, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन, तो इसका राइट आंसर आपका अरविंदो घोष, इसका राइट आंसर होगा अरविंदो घोष के द्वारा आपका पूछा गया था, लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा गया है। द ओरिजिनल नेम ऑफ सीडी अरविंदो वाज द अरविंदो घोष वाज हु वाज बोर्न ऑन अगस्त 15, 1872 इन कोलकाता एंड दिस बुक वाज रिटन बाय हिम इन 1939। द लाइफ डिवाइन इज मेजर फियोसॉफिकल वर्क ऑफ श्री अरविंदो इन विच हैज डिपिकेटेड द थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा द बुक इज़ बेस्ड ऑन द अराइवल ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये पूछा गया था। साथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, रेडर जो शब्द है RAIDER रेडर आपका पूछा गया कि टू विच स्पोर्ट रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका कबड्डी होगा, तो कबड्डी से संबंधित आपका है रेडर जो आपका शब्द है। ठीक है, जब आपका खिलाड़ी जो रेड करने जाता है, जब रेड करता है तो उसी को हम लोग रेडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था सलाल प्रोजेक्ट के बारे में कि सलाल जो प्रोजेक्ट आपका बना है वो कौन से नदी पर बना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो सलाल नदी की बात करेंगे, सलाल परियोजना का, ठीक है, जो कि आपका चिनाब नदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग चिनाब कर लीजिएगा। ठीक है, सलाल बांध जिसे कि सलाल पनबिजली पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए। साथ में आपसे कैलाश मंदिर के बारे में पूछा गया, जो कि हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और भी जैसे हम लोग को मिलेंगे प्रश्न तो उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।